नमस्कार, घटनाचक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे कुछ खास मेहमानों के साथ जुड़ चुके हैं हम आपके साथ, और आज बात करेंगे गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर के। गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं और वहां पर क्या कुछ मुद्दे हैं जो ज़रूरी मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, क्या वही मुद्दे हैं, या फिर जो एक तरीके से मुद्दे बनाए जाते हैं वो मुद्दे हावी होंगे। इसके अलावा चुनाव गुजरात और हिमाचल में है लेकिन माहौल पूरे देश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से जो दिखावे की राजनीति हो रही है जो चुनाव के समय काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, क्या उस तरह के मुद्दे हावी रहेंगे? राहुल गांधी आजकल भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। केरल के अंदर का मुद्दा भी गुजरात और हिमाचल में पहुंच जाता है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम बातचीत आज करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ भास्कर घोष जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी मौजूद हैं CPM का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ शकीलुज्जमान अंसारी साहब मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर JN TV के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। एक तरफ गुजरात और हिमाचल के अंदर चुनाव हैं, दोनों जगहों की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, मुद्दे अलग होंगे, लेकिन जो पूरे देश के अंदर सभी पार्टियों की तरफ से अलग अलग मुद्दों को ज़्यादा हावी बनाया जाता है, जिसे हम कई बार सिंबोलिज्म की राजनीति कह सकते हैं, दिखावे की राजनीति कह सकते हैं, उस तरह के मुद्दे कई बार ज़्यादा हावी हो जाते हैं और लोग भी जमीनी मुद्दों को भूल करके उन मुद्दों पर वोट करने लगते हैं। इस बार के इन दो जगहों पर जो चुनाव हैं, क्या लगता है आपको, जो जमीनी मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे या जो मुद्दे पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं, लोगों के ऊपर थोपती हैं, वो मुद्दे चलेंगे? देखिए, जो जमीनी हकीकत है उस पर तो हमने चुनाव जीतते हुए वो बात लोगों के जहन में रहता है, लोग उस पर चाहते हैं कि काम हो, लेकिन वो चुनावी मुद्दा बन नहीं पाते हैं। अगर आप चुनाव को देखें, कई बार उसको भुनाने में विरोधी दल जो सत्ता पक्ष होते हैं उसके विरोधी कामयाब हो सकता है। कई बार अगर हम कई और राज्यों के, कोई उसका सेट एक पैटर्न तो नहीं है, लेकिन जो असल के मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, या फिर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना हो, या जीवन जैसे कहते हैं आप हैप्पी इंडेक्स कई देशों में, यहाँ तो उसकी हम बात ही नहीं करते, हम तो अलग अलग इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो उन मुद्दों पे यहाँ पे टैक्स को लेके या ये चीजें नहीं बनती। हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार सदियों से, जब से सदियों मतलब खास करके जब से चुनावी इतिहास है तब से आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार आज भी जारी है। उसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत रुकावट के लिए खेद हो सकता है, कुछ उसके उसके भी नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि असल के जो मुद्दे हैं वो कभी नहीं बनते हैं, और उसमें से जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि पब्लिक परसेप्शन में बना हुआ है, उसको और ज्यादा मजबूत करके विरोधी अपने विरोधियों के जो सियासी विरोध एक दूसरे करते हैं उस पर लड़ते हैं चुनाव। असल के मुद्दे मुझे नहीं लगता। अब आप कैसे देखेंगे, राहुल गांधी कीर्तन करते हुए पहले कभी देखा था आपने? अब आज अभी कह रहे थे शकील साहब, आपने योगी जी के अयोध्या में जो दीपावली उसको देखा है आपने, तो उसको देखने का नजरिया भी है। कई जगह ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि नहीं, उसका कोई असर नहीं होता है, कई जगह लोग मानते हैं कि उसको उससे कनेक्ट होता है। तो मुझे लगता है इसके कई पक्ष हैं, हर एक पक्ष को आपको जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव है वो बताएं तो बेहतर होगा। चलिए पहले उनसे ही टिप्पणी ले लेते हैं, शकील साहब से शुरुआत करते हैं। शकील साहब, अब धार्मिक हो गए हैं राहुल गांधी आजकल गुजरात के चुनाव को लेकर के, हालांकि ये शुरुआत उन्होंने यूपी से ही की थी लेकिन वहां पर तो उनकी पूजा थोड़ी सफल नहीं हो पाई, अब गुजरात में भी वो कोशिश कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? और ये जो कभी ताजमहल हो जाता है, कभी केरल के अंदर, ये तमाम मुद्दे गुजरात में और हिमाचल के चुनाव में रहेंगे, आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, सबसे पहले तो सवाल जो आपने राहुल गांधी के सिलसिले में कहा है, दिखावे की राजनीति नहीं, दिखावे की बात नहीं है, धर्म किसी के पर्सनल है, पूजा है, पर्सनल इशू है, और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी जब भी कभी भी जिस भी हिस्टोरिकल इलाके में गए हैं वो पूजा अर्चना के लिए चाहे उस कभी कभी जाते हैं। अब वो है कि आपका कैमरा पहले कम पहुंचता था, अब जरा पहुंच के उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव गुजरात में हो रहा है, हर रोज जब भी जाते हैं नहीं नहीं जहां जाएंगे गुजरात में, जहां कोई धार्मिक स्थल होगा महत्वपूर्ण वहां का गए तो उसमें कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। अब सवाल है कि पॉलिटिक्स क्या है। गुजरात का इलेक्शन शुरू होने की घोषणा हो गई, संगीत सोम का भाषण शुरू हो गया,
कहां गुजरात का इलेक्शन, कहां यूपी में, राम की नगरी में आज दीपावली मनाने एक चीफ मिनिस्टर पहुंच गए। और आपत्ति पहली नहीं, आपत्ति नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये जब आप कह रहे हैं तो ये साफ जो इंडिकेशन है कि एक पार्टी धर्म के आधार पर पोलराइज करने की वोट हमेशा कोशिश करती है, वो कोशिश कर रही है आज पार्टी नहीं कर रही। और बाकी आप देखिए 22 अब सवाल आप इस तरह से करिएगा, ऐसा नहीं होगा ना, दो एक सेकंड भी मैं बोलता ना हुई हूँ और आप क्वेश्चन सवाल हो जा रहे हैं। मुझे लगता है एक मिनट से सबको समय दीजिए, ठीक है, एक मिनट आप फिक्स टाइम दीजिए सबको, एक मिनट का, एक मिनट आप अपना अपनी बात सबको एक मिनट ही दीजिए। कि गुजरात का इलेक्शन है और गुजरात के इलेक्शन जब हो रहे हैं तो वहां बीजेपी की 20-22 साल से सरकार है, ये देखिए सबसे बड़ा इश्यू है। इश्यू वहां के मसले हो सकते हैं कि एडुकेशन सबसे नीचे क्यों है गुजरात में, हेल्थ की पोजीशन इतनी कमजोर क्यों है, सौराष्ट्र में किसानों को पानी नहीं मिल रहे हैं और किसानों का ये हो रहा है, टेक्सटाइल जो गुजरात की शान आन और निशान रहा है, वहां के बिजनेसमैन लिख रहे हैं अपने इनवाइस पर कमल का फूल हमारी भूल, तो और प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको ये आपका एक मिनट पूरा हो गया। नहीं, मैं, पूरा नहीं हुआ, मैं तो घड़ी पड़ी थी सर, मैं सेकंड राउंड में आता हूं और इस पर जवाब लेता हूं। चोपड़ा साहब जी, आपके पास भी एक मिनट का समय है, ये जो एक मिनट में मैं कह दूंगा। हाँ बताइए, मेरा सवाल बात है कि 25 साल गुजरात में राज किया है जी, और ये सरकार ने इकोनॉमिक टेररिज्म को सामने, और इकोनॉमिक टेररिज्म जो होती है छोटी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है, सूरत की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसके साथ साथ मीट बंदी जो हुई है उसने जो मीट इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने मेहसाना में जो दूध की इंडस्ट्री है उसमें डाउनग्रेड है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस वक्त जो पाटीदार हैं वो इनके खिलाफ हो गए हैं, जो दलित हैं वो इनके खिलाफ हो गए हैं, सूरत का जो मुस्लिम मजदूर है वो इनके खिलाफ है, तो इसीलिए ये बेहद परेशान हैं गुजरात में, और ये परेशानी बढ़ेगी, और जैसे ये परेशानी बढ़ेगी पोलराइजेशन का ज्यादा प्रयास होगा, लेकिन एक बार जला हुआ दूध का दोबारा हाथ नहीं डालेगा। पर यहाँ पे तो इतनी बार जल करके लोग लगातार गुजरात में वोट दे रहे हैं, लेकिन इस पर मैं आऊंगा सेकंड राउंड पे आपके पास। भास्कर जी, आपकी टिप्पणी, फिर मैं पुष्पेंद्र जी का विश्लेषण। देखिए एक मिनट, मुझे तो लग रहा है ये गुजरात का जो इलेक्शन हो रहा है वो 2D का इलेक्शन हो रहा है, डायनेस्टी एंड डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स हो रहा है। एक तरफ डायनेस्टी है, हम लोग 3D सुने हैं लेकिन गुजरात में 2D चल रहा है, डायनेस्टी और डेवलपमेंट का बीच का जो फासला है वही फासला गुजरात का जनता के सामने रखा गया है। अभी सुनील चोपड़ा जी कह रहे थे कि इकोनॉमिक टेररिज्म, सुमित चोपड़ा जी को याद है 34 साल बंगाल में टेररिज्म, इकोनॉमिक टेररिज्म का सबसे आइडियल एक अगर रोल मॉडल हो तो ये बंगाल है, खत्म हो गया है टेररिज्म के लिए। और आज के दिन में अगर इकोनॉमिक टेररिज्म बीजेपी करता तो 22 साल तक बीजेपी वहां पे राज नहीं करते। तो बात है 33 साल में तो आप तो खत्म कर दिए आज के दिन में, आप 22 साल में खत्म कर, 22 साल में आज के दिन में भी गुजरात का टैक्सेशन, गुजरात का रेवेन्यू भारत में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र छोड़ के कोई भी स्टेट के साथ गुजरात का कोई भी तुलना नहीं चलता है। इस 22 साल में नहीं है, उससे पहले भी था, इसके पहले भी था, इसीलिए 22 साल में हम लोग बढ़ाए हैं, बड़ा नहीं है। तो बात है सेकंड, सुमित चोपड़ा जी आपने आज तक एक स्टेट में केरल में आप राज कर रहे हो और हम लोग 18 स्टेट में राज कर रहे हैं, तो हम लोग चले एक मिनट आपका भी पूरा हो गया, त्रिपुरा केरल लेकिन गुजरात के बराबर ना केरल है ना त्रिपुरा है, ठीक है। मैं तो मध्य प्रदेश में भास्कर जी पास चलते हैं, तो अब देखना ये आपने 2D का जिक्र किया, आज के 3D और 4D के जमाने में 2D चलेगा गुजरात में या नहीं, वो मैं आपसे सेकंड राउंड में पूछूंगा। पुष्पेंद्र जी आपकी टिप्पणी इस पूरे विषय पर, पहली टिप्पणी, क्या जो दिखावे के मुद्दे हैं, दिखावे की राजनीति वही हावी रहेगी या जमीनी हकीकत पे बात होगी? देखिए दो तीन चीजें साफ हैं कि जितनी बातें
बीजेपी के खिलाफ जो लोग इकट्ठा हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जितनी बातें उठाई हैं उनमें सच्चाई है, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का, गरीबी का, भुखमरी, बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन, जो अभी शकील साहब गिना रहे थे। लेकिन किसी भाषण में इन चीजों पे, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, वहां घेरा नहीं जा रहा है। वहां कर्नाटक का एक मंत्री दंगाई सोच का जो है रोशन बेग, वो प्रधानमंत्री को गाली किस मंशा से देता है? सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में संगीत सोम कुछ बोलते हैं तो उसके बारे में तो बहुत चर्चा होती है कि ताजमहल मुगलों का है, गुलामी का है, नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताजमहल से लेकर जितनी मारा कोई पहली बार सवाल नहीं खड़ा हुआ है। उसमें तो बहुत सब ऐसे असभ्य लोग हैं कि जो ऐसी बातें करते रहते हैं, चाहे वो योगी हो चाहे दूसरे। लेकिन जो बड़ी सभ्य पार्टी है, बड़ी तहजीब तमीज की पार्टी है, वो क्या कहता है कि मोदी को गाली देता है? वो किस राजनीति के तहत करता है? सवाल ये है। तो जो लोग खराब हैं उनसे तो आप उम्मीद करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत महान लोग हैं, बड़े सेकुलर लोग हैं, उनकी सोच क्या है कि वो पीएम को गाली किस सोच के साथ देता है? जो दूसरी बड़ी बात है गुजरात के अंदर कि बिहार का चुनाव जिन हालात में जीता था अपोजिशन ने, जो कार्ड खेला था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो कार्ड नहीं चला, और इत्तफाक से बिहार जिस कार्ड पे खेला था वो सेकुलर चेहरा भाग गया। अब इनकी समस्या यह है कि अगर गुजरात में अपोजिशन अपनी बात नहीं कह पाया और अपोजिशन चुनाव हारा, तो सबसे बड़ी हार मोदी से ज्यादा इनकी है। तो सवाल यह है कि मोदी से ज्यादा चिंता अपोजिशन की है। चलिए, एक मिनट आपके ही पूरे हो गए, दूसरे राउंड पर चलते हैं और जो जो मुद्दे उठाए गए हैं कि करके उसके जवाब लेते हैं। शकील साहब से पहले जवाब लेते हैं। शकील साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक हाफ सेकंड के लिए बोलिए। ये जो सेक्युलर कम्युनल, आज एक सुबह पश्चिम बंगाल का सबसे हार्डकोर मुस्लिम जो ये है तोहा सिद्दीकी, मुसलमानों में हार्डकोर होते हैं, हार्डकोर होते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी नहीं है। यही तोहा सिद्दीकी 3 महीना पहले बीजेपी को कम्युनल पार्टी देख रहे थे और आज वो बयान दिए हैं कि बीजेपी कोई कम्युनल पार्टी नहीं है। तो आपने इनको सर्टिफिकेट दे दिया आपको कि आप कम्युनल नहीं। चलिए, मेरा सवाल जो है शकील साहब से ये, शकील साहब कह रहे थे जब राहुल गांधी का जिक्र हुआ कि धर्म अपनी व्यक्तिगत मसला है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी लाइन की अगली लाइन में आप ये बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है दिवाली पर पहुंच करके दिए जला रहे हैं, तो राहुल गांधी करें तो वो उनका अपना धर्म है, वो कहा जाते रहते हैं, योगी आदित्यनाथ अगर दीपावली मनाए तो वो चुनाव को देख करके कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं, तो ये तो बड़ा ही मतलब आपकी बातों में ही बड़ा विरोध है, सेकुलरिज्म है। शकील साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि जो अयोध्या में आज जो योगी जी दिवाली मना रहे हैं, इसका मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि बहुत उसका हम वेलकम करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि दिवाली मना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वो स्टेट के जरिए मनाया जा रहा है, अयोध्या में स्टेट के खर्चों से मनाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ और नरेंद्र मोदी ने सबका विकास के नाम पर शुरू किया, और जितने बड़े खर्च आज वहां हुए उससे हमें एतराज नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो योगी आदित्यनाथ की कंस्टिट्यूएंसी में बच्चे मर रहे हैं उनकी तरफ तो ध्यान बहुत कम गया। एक आध बार जो टीवी पर एक्शन हुआ उसके बाद से कुछ नहीं, आज तक वही सिलसिला जारी है। डेवलपमेंट के नाम पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, डेवलपमेंट के रिकॉर्ड पर वो कहीं नहीं चल रहे हैं। तो सिंबॉलिक तरीके से अगर राम की मर्यादा, पुरुष राम की आप जब करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि राम का नाम इस्तेमाल करके आप राजनीति हासिल करते हैं, क्योंकि मंदिर पर भी यही करते रहे और मंदिर बनाने की कोई प्रयास नहीं किया इनकी पार्टी ने। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब सेंटिमेंटल चीज के बजाय राम राज की बात कीजिए, उस राम राज की बात कीजिए जिसमें सबका भला हो, देश का भला हो, किसानों के बुरे हाल है वहां पर संगीत सोम जैसे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और योगी वही काम करते करते आज बोल रहे हैं कि बहुत सही काम कर रहे हैं, वो गलत काम बोल रहे हैं संगीत सोम, तो ये विरोधाभास ये गुजरात इलेक्शन के लिए है। मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है आप कह रहे हैं बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जो कि कम्युनल एजेंडे को आगे कर रही है, आप कह रहे हैं कि मुझे वहां पर दीपावली मनाने से ऐतराज नहीं है, फिर आप बता रहे हैं सरकारी संसाधन को लेकर के तमाम बातें आपने। मेरा सवाल ये है, जब यही बात मनमोहन सिंह कहते हैं कि पहला
हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है जो भी संसाधन है उस पर, तो फिर इसको हम क्यों नहीं कम्युनल बयान माने? जब आप माइनॉरिटी को लेकर के जब आप ये कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए तो इसे चुनाव के पहले ठीक, और उसे बाद में कोर्ट रद्द कर देता है, इसे हम क्यों ना कम्युनल बयान माने? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मनमोहन सिंह ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये भी आप देखिए। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया अल्पसंख्यक इंडेक्स बहुत डाउन हो चुका है इसलिए उसको ऊपर उठाना है, तो उन्होंने ये कहा, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे नहीं बोला उन्होंने, जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अमेरिका के प्रेस क्लब वॉशिंगटन के प्रेस क्लब के जब उसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर बोला गया था, उस बेस पर बोला गया था। ये खच्चर कमेटी जो बनी हुई है बहुत पहले की बनी हुई है, जी नहीं दो दिन पहले नहीं बनी जब बयान दिया था, उससे सालों पहले आ चुकी थी। चुनाव के पहले आरक्षण की का जिक्र करना ये जानते हुए उनको संविधान की जानकारी है कि बाद में कोर्ट में रद्द हो जाएगा, क्या ये भी एक तो ये भी तो सिंबोलिज्म हुआ कि आप एक, एक, अब आप जिस सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं जनता ने उसके ऊपर सजा दे चुकी, चलिए आप वही काम करेंगे क्या? ये जो मामला होता है कि एक व्यक्ति एक पार्टी को दूसरी पार्टी का सिंबोलिज्म जो है वो कम्युनिज्म लगता है आपको? राहुल गांधी जी को आप, दिलीप जी एक सेकंड में बोल रहा हूं कि आपको कांग्रेस अगर कोई काम करती है, कांग्रेस सबको लेके चलना चाहती है इस देश में, सारे लोगों को, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, और एक पार्टी है जो कहती है कि फलां को तो छोड़ ही के हमको बढ़ना है, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो अगर यही देश की नीति है तो आई वेलकम इट। पर क्या आधिकारिक बयान है किसी पार्टी का? क्या मेजोरिटी है ना, डेमोक्रेसी चल रहा है, चलना है, और जो मेजोरिटी है कश्मीर में जो है दंगाइयों ने पूरे देश में हिंदुओं को मारा, जब आपको डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म का ध्यान नहीं आया, ये डेमोक्रेसी की आड़ में जो आप खेल खेल रहे हैं कश्मीर से लेकर केरला तक, ये आप ही के लिए समझिए कि डेमोक्रेसी जब तक तो अच्छी है जब तक आपका एजेंडा चले और दूसरे के बताए, तो ये डेमोक्रेसी है कि भाई देखिए अगर ऐसे ही एक वर्ग को लेकर चलना है तो डेमोक्रेसी पर सवाल उठाएंगे, कश्मीर में मुसलमान क्या कर रहे हैं, बाकी सरकारों ने क्या किया हिंदुओं के साथ उस पर आप खामोश हैं, आसाम में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, वहां डेमोक्रेसी की आड़ में जो आप दंगा कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बात होनी चाहिए। भास्कर जी बचाऊंगा, आप भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें शकील साहब को, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक वर्ग को जानबूझ के दरकिनार करके चल रहे हैं और आप नारा देते हैं सबका साथ सबका, वो नहीं चल रहे, वो वर्ग अपने आप ही पहले तय कर रखा है। देखिए आज का जो नहीं, आपकी बात तो एकदम सही है, वो तो गुजरात इलेक्शन का मुद्दा है, आप लास्ट 22 साल में गुजरात इलेक्शन का एक अगर एनालिसिस करें तो आपको लगेगा मुस्लिम वोट कितना हद तक हमारे फेवर में गए हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो मुस्लिम वोट गुजरात के मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही वोट देता और कांग्रेस आज सत्ता में आता। आज जो विजय रूपानी जी बोले हैं, बाकी देश में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, बाकी देश के अन्य राज्यों में ऐसा क्यों, बाकी राज्य में नहीं होता तो यूपी का रिजल्ट 311 कैसे होता है, या बताइए 325 आप कम क्यों बोल रहे हैं, 325 राइट, क्या वो उनको पहले ही हम कह दिया था आप वो आ जाएंगे तो आपके लिए कोई आप ये बताइए कैसे हो सकता है, बाकी जगह पे भी ऐसा हो रहा है। और जब उन्होंने समझाया कि हम लोग किसी का साथ कोई सेपरेटिस्ट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आज जैसे विजय रूपानी जी कहा कि फार्मर्स लोन को 3 लाख तक फार्मर्स लोन दिया जाएगा, वहां पे कहीं नहीं हम लोग कहा कि मुस्लिम फार्मर्स को हम लोग लोन नहीं देंगे या ऐसा फार्मर्स लोन, हर फार्मर्स को आज 3 लाख रुपया तक लोन। और जो हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी एक घंटा अपना भाषण में जो कहें कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, मोदी जी कभी नहीं कहा कि डेवलपमेंट जाएगा हिंदू के पास मुसलमान के पास नहीं जाना चाहिए, मुसलमानों के पास जाना चाहिए तो ईसाई के पास जाना चाहिए। एक, एक, एक और पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे सीपीएम के हैं सुप्रा साहब, अब मैं सिर्फ 3 चीज बोलूंगा जी। पहली चीज ये है कि अब मंदिर तो बनेगा नहीं, बीजेपी डिफेंसिव पे है जी, मंदिर फुट का बुत बनेगा, और मेरा ये कहना है कि मुझे ये पक्का नहीं है कि वो भी चीन को बनाना, हमने ये भी बोला है कि मंदिर बनाना। दूसरी चीज नहीं, आप मेरे को कहने, मैंने आपको आप कोट अनकोट ठीक से करो, नहीं नहीं बिल्कुल इसके साथ साथ दूसरी चीज है कि केरला में आपने देख लिया है कि पोलराइजेशन काम नहीं करता, बीजेपी का वोट भयानक तरीके से गिरा है 2500, और मेरा ये कहना है कि अच्छा है कि हमारे देश में ये सांप्रदायिकता नहीं है और इस तरह रिजल्ट पोलराइजेशन का मिलेगा। तीसरी चीज है
कि मेरा ये कहना है कि दोनों गुजरात और हिमाचल में जो दलितों का अलग अलग तरीके का बिहेवियर है सरकारों का दलित के प्रति, उसका भी फायदा गुजरात में सेक्युलर फोर्सेस को होगा। सवाल ये है कि सेक्युलर फोर्सेस आपस में बटे ना रहे। तो आप ये आप गुजरात में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या कांग्रेस के साथ? आप भी तो सेक्युलर हैं, समर्थन कर सकते हैं क्यों जी? चलिए एक चीज मुझे बताइए, आपने कहा कि राम मंदिर बनेगा नहीं, कोर्ट कोर्ट समर्थन करने के लिए बेस क्या है ये तो बताइए। कोर्ट में बता दूं, हां मैं आपको बता देता हूं, मैं बता देता हूं, पिछली बार जब राज हुआ था वही था, केस मजदूर यूनियन की कॉन्फ्रेंस थी और हमने कहा था कि अगर जूनागढ़ में लड़ाई हो तो हिंदू मुस्लिम मिलकर जवाब देंगे। जवाब दिया गया और जूनागढ़ में फर्स्ट गुजरात राइट में भी राइट नहीं हुआ था। सर आपका पॉलिटिकल बेस क्या है? आप कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल बेस क्या है आपका ये बताइए। नहीं ठीक है भाई, आप इनसे क्यों पार्टी रहे हैं, इतना भाषा देते रहे, अरे दो सीट वाली है आप दो सीट वाली पार्टी रहे हैं, सब सीट वाले हैं, मत दिखाइए। हां दो सीट वाली पार्टी भी है, ये हमारे कॉन्फिडेंस का अहंकार नहीं है, अहंकार आपके थे इसलिए 34 साल के बाद बंगाल से आपने हरण हो रहा है। 803 रेप, योगी जा रहा उधर कम से कम उन औरतों को साड़ी, बंगाल में जो रेप बंगाल में जो रेप और मर्डर हुए उसके नहीं है। आप रेप और मर्डर के बाद आप कम कीजिए चोपड़ा साहब, चलिए क्यों 729 मर्डर यूपी में 2 महीने में आपकी असेंबली के। देखिए जैसा जिस बात को चोपड़ा साहब कह रहे हैं इतने शान से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मर्डर हो रहा है, वहां तो अपराधी मर्डर कर रहे हैं लेकिन केरला में तो पॉलिटिकल मर्डर, इनकी सरकार है वहां पे एक संगठन के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक सेकंड आप देखिए, कई गौरी लंकेश की हत्या कहां हुई और अब तक क्या सुराग मिले हैं किसी को नहीं पता है, सबको पता है सर, आप तो मिले हैं आपको तो रहवाने निकले नहीं है। मैं लेट मी फिनिश। तो ये जो सेलेक्टिव एमिनेंस ये सही होता है ना कि हम जो मुझे चीज, अब शकील साहब कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी तो पर्सनल मैटर है, हाउ डज इट मैटर, अगर वो जाके आरती नहीं जानते, उनको कोई आरती सिखा भी रहा है तो उसका कोई पॉलिटिकल मैसेज है ही नहीं, वो तो वहां पे कैमरा जो है पहुंच गया था, ये कैमरा का अपराध है, इसमें कैमरा की गलती है, इसमें राहुल जी और कांग्रेस पार्टी का क्या लेना है इससे, वो तो चुपचाप गए थे पूजा करने के लिए, आप कैमरा लेके पहुंच गए, लेकिन योगी जी ने पूरे देश से कैमरा बुलवाया है वहां पे और उस पर पूरा खर्चा है जो उत्तर प्रदेश सरकार के हो रहा है और उसमें पब्लिक का मनी जा रहा है। ये जो सेलेक्टिव हम बात करते हैं यहीं से, ये सेलेक्टिव नहीं है दिलीप जी सर, दोनों में बहुत फास्ट फर्क है, आप जरा फर्क आप समझा दे तो बेहतर होगा, आप ही फर्क समझा दे। मैंने फर्क समझा दीजिए दोनों का फर्क मैंने बता दिया, लेकिन फर्क समझा दीजिए पालने की कोशिश, मैं चुप हो जाता हूँ, आप फर्क समझा दीजिए कि योगी जी अगर अयोध्या में दीपावली पूजा करते हैं और राहुल जी जाके भजन कीर्तन करते हैं उसमें जो है आप कह रहे फर्क है, आप समझा नहीं, नहीं किसी मंदिर से किसी शहर की मंदिर महत्वपूर्ण है उन्हें बताया गया वो पूजा के लिए चले गए और अयोध्या और अयोध्या अयोध्या की सरकार पहले भी 10 सेकंड मैं बंद कर दूंगा, ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्या बीजेपी? ये जो सवाल अयोध्या की वजह से सुनिए सुनिए में लोग दीपावली मनाते हैं, अगर अयोध्या में दीपावली भव्य तरीके से, अरे भाई पहले क्यों नहीं मना रहे आज क्यों मना रहे हैं बताते भाई, जवाब दो बातें सुनिए। देखिए संगीत सोम से लेकर के दिखावे की राजनीति की बात हो रही है, इमरान मसूद ने क्या कहा था और राहुल गांधी जाके मंच शेयर करते हैं और उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया जाता है। दूसरी बात शकील साहब जरा साफ साफ सुने, अयोध्या में जो भी कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी पैसे से कर रही है, यह तो आपको पता है, लेकिन 50 साल से इस देश के
टैक्स पेयर और सरकार के पैसे से मुसलमान हज करने जाते हैं उस पे जबान क्यों नहीं खुलती? वो भी सरकार का पैसा होता है, वो कैसे किसी मुसलमान को पैसा देकर के हज कराती है? आप में दम हो तो आप कहिए कि ये गलत मुसलमान ले रहे थे और आपकी सरकारें क्यों दे रही थी? वो भी सरकारी पैसे से हज करने जा रहे थे। अगर अयोध्या में दीप जल रहे हैं सरकारी पैसे से तो वो गलत नजर आता है, तो हज करने क्यों जाते हैं आप? एक सवाल। मैंने उस पर जस्टिफाई नहीं किया है, मैंने कहा है कि एक तरफा सेलेक्टिव मेमोरी जो है शकील साहब की नहीं चलेगी, कि अयोध्या के मंदिरों में दिए जलने पे तो सरकारी पैसा नजर आ रहा है, लेकिन 50 साल से 19 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के टैक्स पेयर सरकार के खाते से पैसा लेके हज करने जाते हैं उस पर जबान क्यों बंद रहती है? वो कम्युनलिज्म नहीं है, वो सेलेक्टिव नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि देखिए कि साहब वो मंदिर जा रहे हैं, उनका अधिकार है वो मंदिर जाएं, सबको पता है, आप सबको याद होगा 1984 में दिल्ली में जब सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे, आप सबको याद होगा कि दूरदर्शन के ऊपर उस वक्त के प्रधानमंत्री और आए और उन्होंने जो भाषण दिया, मैं भाषण की बात भी नहीं कर रहा, मैं उस वक्त की सेलेक्टिव बात कर रहा हूं। राजीव गांधी जिस वक्त दूरदर्शन पर अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, उस धरती हिलने में 4-5 हजार सिखों का कत्ल कर देती है कांग्रेस के नेता, और वही प्रधानमंत्री उसी दूरदर्शन के ऊपर अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के आया था, उसे क्या बताना था कि जनेऊ ऊपर पहन के आया था? वो क्या बताना चाहते थे? वो कि वो किसी क्रिश्चियन के बेटे नहीं है, क्या वो हिंदू है, क्या वो ब्राह्मण है? तो आप दिखावे की पॉलिटिक्स बहुत पहले से कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो आज को आपको किसी का मंदिर जाना लगता है तो कल मस्जिद जाना लगता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर कई पार्टियां देती हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर किस सरकार के पैसे से इफ्तार दिया जाता था, किस वजह से दिया जाता था, किसने मुखालफत की कि हिंदुस्तान की सरकार के पैसे से किसी एक धर्म के लोगों का इफ्तार नहीं दिया जाएगा? तो आप सेलेक्टिव मत होइए कि अयोध्या के दीप का तेल आपको नजर आ रहा है कि ये सरकारी पैसे था, तो इफ्तार का खाना भी आपको नजर आना चाहिए था कि वो किसका? इसका जवाब लेंगे, छोड़ो साबित। गुजरात और हिमाचल में ये तमाम मुद्दे कितना अपना असर डालेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल और गुजरात चुनाव की, लेकिन पूरे देश के घटनाक्रम जो कुछ हो रहे हैं, हर चीज को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है और हर चीज को गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव पे असर कितना डालेगी, इस पहलू पे हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के पहले बात सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म की हो रही थी, पुष्पेन जी ने जो तमाम बातें रखी, मैं चाहूंगा कि शकील साहब उसका जवाब देना चाह रहे थे कि सेलेक्टिव जो है, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं और कम्युनिज्म की बात भी सेलेक्टिव करते हैं, ये उनकी बातों का लबलवा था, आप जवाब देखिए। एक तो इन्होंने ट्विस्ट कर दिया कि मैंने अयोध्या के दीप जलाने से मैंने इनकार किया है कि नहीं जलाना चाहिए, सरकारी पैसे से नहीं होना। नहीं नहीं, एक मैंने ट्विस्ट नहीं किया, मैंने उसको स्वागत किया, उसको भी किया, अच्छा होना चाहिए, ठीक बोले बोले आपने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब दिलीप जी ने दोनों का फर्क बजाया तो मैंने फर्क बताया कि फर्क यह है कि एक सरकारी पैसे का इस्तेमाल एक जगह हो रहा है, एक इंडिविजुअल प्रे करने कोई आदमी जा रहा है, दोनों में इतना फर्क है। तीसरी बात, इन्होंने हज का लाया, ठीक है, इनकी बात से मैं तो एटलीस्ट सहमत हूं, और टीवी डिबेट में और सरकारी तौर पे कितनी बार मैं रिक्वेस्ट भारत सरकार को लेटर लिख के भी कर चुका हूं कि जो सब्सिडी के पैसे हज के लिए हैं उसको बंद किया जाए, लेकिन उसमें उसका अगर डिबेट करेंगे तो बड़ा लंबा है, चूंकि वो पैसे एयर इंडिया को जाता है और एयर इंडिया को 4 times कहा हज के ट्रेवल में 2 times आते हैं, 4 types का पेमेंट देते हैं ये सब, और वो सब्सिडी एयर इंडिया को मिलती है, हज करने वाले पिलग्रिम को नहीं मिलती है। तीसरी बात कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, अगर हज के लिए सब्सिडी देते हैं तो कितने फंक्शंस जो दूसरे धर्म के भी होते हैं सरकारी स्तर पर उनके भी देते हैं, उसको भी कोई एतराज किसी को नहीं है। और जैसे कुंभ मेले के लिए या छोटे बड़े मेले, पूजे के प्रोग्राम या
जो ज्यारत के प्रोग्राम होते हैं कई जगह सरकारी बंदोबस्ती से होता है, इससे मुझे कोई इतराज नहीं, क्रिश्चियन और दूसरे कम्युनिटी के लिए भी होते हैं। लेकिन मैंने कहा आज इसलिए हो रहा है चूंकि इलेक्शन की शुरुआत हो गई, इसलिए शायद गुजरात का इलेक्शन नहीं होता, तो हो सकता था अगले साल होता वो दीप जलाने का प्रोग्राम, इसलिए कि जब कल्याण सिंह की हुकूमत थी वहां तो कहां दीप जलाने का, कभी बीजेपी की सरकारें रही हैं डिफरेंट टाइम में, अभी चीफ मिनिस्टर ये भी रहे हैं। एक मिनट हुकूमत जब थी, अरे भाई एक मिनट आप बोल लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने तीन बार सरकारें रही हैं, तीन बार बीजेपी की सरकारें रही हैं, कभी दीप नहीं जला, आज जल रहा है, मुझे इससे इतराज नहीं है, लेकिन आज जल रहा है गुजरात को देखते हुए मुझे ये कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। दूसरे योगी आदित्यनाथ को वहां गुजरात का कंपेनर बनाया गया है, तो इसमें प्रॉब्लम मुझे कोई इतराज नहीं है। राहुल बाबा तो सारा वर्ल्ड के दादा है, बाबा नहीं है, वो दादा है आपके, अरे वो आपके दादा है, बाबा नहीं है, दादा है आप बोल ली, और ये सब शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत सारे शब्द मुझे भी आते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि गुजरात के इलेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम समझते हैं कि जो उन्होंने कहा है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के इश्यू पर आना चाहिए, 22 साल के रिपोर्ट कार्ड बीजेपी की सरकार को देना चाहिए कि आज वहां पाटीदार समाज जो सबसे बड़ी समाज जो उनके साथ थी क्यों नाराज है, दलित समाज किस तरह से बिफड़ी पड़ी है, असली तो वोटर वो है ना, और वहां किसानों के हालात क्या हैं, कमल का फूल हमारी भूत कोई कांग्रेसी नहीं लिख रहा है, तमाम इनवाइस पर सारे उसमें तो बीजेपी के वोटर ज्यादा थे, सब लोगों ने लिख के रख दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल पे भी उसी तरह से ध्यान दे दीजिएगा, कर दे देते हैं अगर लोगों ने, कोई जरूरत नहीं, डेमोक्रेसी है, अगर उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जीत गए, निश्चित है वेलकम, इसके बावजूद आज तो ये सवाल है ना, आज तो सवाल है नोटबंदी से कितने नुकसान हुए, कहते हैं फायदा है, जनता की कमर टूट चुकी है, जीडीपी ग्रोथ नीचे डाउन हो चुका है, जीएसटी हमने कहा था 14% और आईएमए फिर भी बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी सख्त प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आईएमए ने अभी जो कहा है नोटबंदी के ऊपर वो भी बोल दीजिए ना, दोनों बात बोल दीजिए तो हम आपकी बात मान लें। चोपड़ा साहब जी, चोपड़ा साहब अभी पूरा ये हिमाचल की बात मैं बस करना चाहता हूँ कि ये जो राम की मूर्ति आ रही है और ये जो ड्रामा किया जा रहा है इस वक्त वहां पर अयोध्या में, हिमाचल इसको में ड्रामा आप कैसे कह सकते हैं, ब्राह्मीण पॉपुलेशन, चोपड़ा साहब और हिमाचल की ठाकुर ब्राह्मीण पॉपुलेशन को अपील करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो सत्यानाश पेट्रोल प्राइसेस ने उनके सेब के उद्योग का किया है और उनकी खेती का किया है, जो बंदर उनकी खेती खराब कर रहे हैं, जो जानवर उनकी खेती खराब कर रहे हैं, वो लोगों के लिए ये सब दूर की बात है, उनको जिंदा रहना मुश्किल है। ठीक चोपड़ा साहब, लेकिन अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जो ड्रामा हो रहा है, बहुत लोगों के लिए वो आस्था का सवाल है कि अगर मूर्ति बन रही है तो क्या लोगों की आस्था, मूर्ति बनना कोई बुराई नहीं है, मूर्ति बनना अगर वो ये मंदिर का विवाद दूर हटा दे तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मूर्ति पे इतना खर्च कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश का वो बुरा हाल है, मैं तो अभी देख के आया, लोग गालियां दे रहे हैं इसको, तो मेरा ये कहना है ये हिमाचल को दूर दराज चीज को देख रहे हैं, जैसे केरला को, जैसे इन्होंने केरला को देखा था और केरला में मार खा के आए, हिमाचल में भी खाएंगे। दिलीप जी ये कह रहे हैं कि राम की मूर्ति लगाना, मैंने वही कहा कि इस देश में, मैंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की, आप देखिए हम लोग इतने लगभग 40 मिनट की चर्चा में हिमाचल के मुद्दे और गुजरात के मुद्दे, अगर चुनावी मुद्दे को देखें, लोगों की जुड़े हुए सीधे सीधे सवाल को देखें, तो वो सवाल हमारे सामने आ नहीं पाता है, मीडिया में भी हम चर्चा नहीं करते हैं, जो राजनीतिक दल एजेंडा तय करते हैं उसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा चलती है, और इसकी शुरुआत अगर शकील साहब कह रहे थे, और मैंने फिर वहाँ से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ और चोपड़ा साहब से, कि आप देखिए कि अगर आपको लगता था कि आप वही वहाँ पे असली मुद्दा जो है किसानों का है, आपको लगता था कि वहाँ पे शिक्षण, आप जाते स्कूलों में, जाते आप मंदिर में नहीं जाते, आप आरती उतारने नहीं जाते, आप जाते आदिवासी के उन घरों में, किसानों में जहाँ आत्महत्या की है,
वहां जाते आप, तो आप मुद्दा को, आपको पता है क्योंकि वो नहीं जाएंगे। उसका कारण क्या है कि आप 4 साल और 20 साल और 5 साल की बात करेंगे तो आपसे 40 साल और 60 साल और 70 साल का हिसाब मांगा जाएगा। तो यहां पे दोनों पार्टियां, दिक्कत क्या है कि आज जो कुछ स्थिति है उसमें पॉलिटिकल पार्टी पक्षपात पूर्ण बोल रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आपको लगेगा क्योंकि मैं वो निष्पक्ष जब भी होगा तो किसी न किसी दल को पक्षपात है। नहीं नहीं, किसी न किसी आप एक फंक्शन को बोले आदिवासियों का एक ट्रेडिशनल, आप मुझे बोलने तो दीजिए, आदिवासियों का ट्रेडिशनल फंक्शन की बात आप कर रहे हैं। मुझे बोलने तो दे, आप मुझे बोलने तो दे, कंप्लीट करने दे हम आपको। आप कंप्लीट करके आशा करते हैं कि आप सही बात आशा करते हैं, आप सत्य और सही बात आपके, मुझे मुझे सच बोलने का मौका दे दे आप। 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप 1 सेकंड में बोल रहा हूं, वो फंक्शन आदिवासियों का ट्रेडिशनल फंक्शन था। कितनी बार आदिवासियों के पक्ष में चीफ मिनिस्टर भी रखते नजर आते हैं और ड्रम बजाते हुए नजर आते हैं, तो कभी नहीं करते। राहुल गांधी ट्रेडिशनल कलावती से मिलकर आए थे। राहुल गांधी आप भूल गए, राहुल गांधी कलावती से भी मिलकर आए थे। राहुल गांधी दलित के घर में भी खा के आए थे और उस समय भी दलितों के लिए और कलावती के लिए क्या हुआ, ये आपको आपसे छुपी हुई बात नहीं है। मैं उस पे मैं कहता हूं कि असली कोई मुद्दे वोट को, नहीं देगा तो हम उसकी बात करना छोड़ देंगे। असली दलितों की बात करेंगे? नहीं नहीं, आप बात की बात करेंगे? बात ही बात वोट करते ही हैं, काम नहीं करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप क्या है, आप जो वोट देगा उसको आप बात कीजिएगा, हमारे बात करना है। 10 सेकंड में मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों के लिए जो रियल इश्यूज हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए सीधे, आप शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन उन चीजों पे जाके आप फोकस नहीं करते हैं। आप फोकस वहां पे करते हैं जहां से आपको एक सिंबॉलिक फायदा, आप फोटो खिंचवा करके उसको फेसबुक पे, उसको ट्विटर पे, उसको टेलीविजन में, उसको प्रिंट में छपवाते हैं, उसको अपने पोस्टर में दिखाते हैं कि आप कितने बड़े दलित हितैषी हैं, आप कितने बड़े आदिवासी के हितैषी हैं, आप कितने बड़े किसान के हितैषी हैं। अगर सारे काम हुए होते तो स्थिति ये होती नहीं। आज जो आप सवाल कर रहे हैं, आपको सजा मिली है 2014 में, लेकिन जो लोग नहीं करेंगे उनको सजा आगे मिलेगी। ऐसा नहीं कि परमानेंट है। लोकतंत्र में जब लोगों के पास चाबी जाती है तो वो चाबी घुमाएंगे, लेकिन चाबी घुमाने के वक्त आप पूरे राजनीतिक दल इस तरह का माहौल बनाता है, ऐसा लगता है कि उनका जो एजेंडा है वही पब्लिक का इश्यूज है। बस 1-5 सेकंड, 4 इश्यूज हैं जो हिमाचल में, 4 इश्यूज हैं जो हिमाचल में आएंगे। सबसे बड़ा इश्यू है पेट्रोल और पेट्रोल की चोरी, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज्यादा पेट्रोल पर आधारित ट्रांसपोर्ट है। दूसरा है सेब, ये सेब की ट्रांसपोर्ट इतनी मुश्किल हो गई है कि हिमाचल के सेब उगाने वाले किसानों के लिए मुश्किल हो गई है, ये बीजेपी ने जो पेट्रोल की प्राइसेस रेज की हैं। तीसरा है प्रोजेक्ट, तो हिमाचल में प्रोजेक्ट का एडवांस कुछ नहीं हुआ है इस पीरियड में। और चौथा है आवारा जानवर जो कि बीजेपी ने परिस्थिति पैदा की है। इसके बाद जो मर्जी बीजेपी करे, चोपड़ा साहब, लोगों के पीछे ये इश्यूज होंगे। चोपड़ा साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये है कि वहां पर शायद आप बोल रहे हैं कि एक राज्य सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप करें वहां बंदर फसल खराब कर रहे हैं, बीजेपी करवा रही है वहां पे, तो ये जब आप ये बोल रहे हैं तो आपका भी आप बंदरों को पकड़ेंगे तो आ जाएंगे धर्म के नाम पे। ओके, बीजेपी वहां पर राज्य सरकार है, आप कह रहे हैं बीजेपी वहां पर बंदर भेज रही है। आवारा जानवर कितने हम लोगों का हरियाणा में नुकसान कर रहे हैं, आप आवारा जानवर की बात कर रहे हैं या तो आवारा इंसान घूम रहा है, एक चुनी आवारा इंसान राजस्थान में घूम रहे हैं जैसे पहलू खान को गोरक्षक ने मारा, वो है आवारा इंसान। चलिए, ये जो तर्क है आपका, पुष्पेंद्र जी मैं चाहूंगा इस पर आप टिप्पणी करें। उससे पहले अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि 68 सीटों में से कांग्रेस की तरफ से 59 सीटों पर नाम जो है उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आज ही आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 68 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसमें 6 सीट महिलाओं को दी गई है। 4 उम्मीदवार जो सिटिंग एमएलए थे बीजेपी की तरफ से, उनके टिकट काटे गए हैं। 59 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से घोषणा अभी थोड़ी देर पहले हुई है और अर्की से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये अपडेट अभी की आपको हम बता रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, इस पर मैं चाहूंगा कि आप जो चोपड़ा साहब ने कहा उस पर। देखिए, चोपड़ा साहब ने 2 बातें जो हैं बड़ी काबिल एतराज कही हैं, जिसको मुझे लगता है कि कहना चाहिए। एक तो इन्होंने दीपावली जो वहां हो रही है उसको ड्रामा कहा है, देश के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, मैं अपनी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवानों के आराध्य देवता हैं,
उनके आगमन पे दिवाली मनाई जाती है। कांग्रेस पार्टी के नेता शकीलुज्जमान अंसारी ने जिस तरीके से इस दीपावली के ऊपर सवाल खड़ा किया है, इसके बनाने पे सवाल खड़ा किया है, ये कांग्रेस पार्टी का सांप्रदायिक चेहरा नजर आता है मुझे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, खासतौर से कांग्रेस के लीडर जो सेकुलर होने का दम भरते हैं, कि जब वो एक धर्म के मामले पे जब सवाल उठाते हैं तो उनको सवाल ये भी होना चाहिए, कोई दूसरे पर भी सवाल उठा सकता है कि क्या रमजान का महीना भी कोई ड्रामा होता है, क्या उसके अंदर भी इस तरीके से चीजें होती हैं कि हर मोहल्ले मोहल्ले गली गली सरकारी जिस तरीके से इफ्तार होते हैं उसका विरोध मैंने किसी को करते नहीं देखा है। अब आपने बात हिमाचल की कही है, हिमाचल के अंदर आप सबको पता है कि वहां पे ट्रेंड खासतौर से पहाड़ों की जो हम राजनीति देखें, चाहे उत्तराखंड को देखें, चाहे हिमाचल को देखें, या आप चले जाएं तमाम पूरे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, बदलाव ज्यादा वहां होता है और वहां के इश्यूज जनरली मैदान से बिल्कुल अलग होते हैं। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 68 में से 26 सीटें मिली थी और 36 सीटें कांग्रेस के पास थी, तब भी कोई बहुत स्वीपिंग डिफरेंस नहीं था। जिस तरीके का हम गुजरात में देखते हैं कि 182 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को मात्र 60 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 116 थी, वहां गैप मुझे लगता है दुगना था। तो मैं ये मानता हूं कि वहां जो जिस चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो 15 दिन के बाद होना है, उसकी चर्चा कम हो रही है, शायद उससे बहुत ज्यादा देश में मैसेज जो है वो नहीं जा पा रहा है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त गुजरात का चुनाव जो है उसकी कोशिश में यह है कि जैसे बिहार के चुनाव के वक्त एक माहौल तय हुआ था कि एक इंटॉलरेंस का माहौल था, अखलाक का मुद्दा था, अपोजिशन सारा इकट्ठा हुआ था, एक अनहोली अलायंस हुआ, एक भ्रष्टाचारी के साथ जब राहुल गांधी बैठना नहीं चाहते थे उसके गले में जाकर के हाथ डाला और भ्रष्टाचारी निकल आए हैं। नहीं कह रहा आपके ही, मैं तो मैं कह रहा हूं वो कोशिश है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक सेकुलर चेहरा भी इनको मिल गया था, वो बात अलग है कि वो मैदान छोड़ के भाग गया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल यह है कि मैं फिर दोहराऊंगा जिसका दिलीप ने कुछ इशारे में जवाब दिया है कि 1995 से वहां सरकार है, अगर 20 साल के बाद भी जिन मुद्दों को हमारे साथी चोपड़ा साहब और शकील भाई उठा रहे हैं कि तमाम लोग त्रस्त हैं, टेक्सटाइल है, मजदूरों का मामला है, एजुकेशन, ये मुद्दे क्यों नहीं बन रहे? सवाल यह है कि रोशन बेग को प्रधानमंत्री को गाली क्यों देनी पड़ रही है? संगीत सोम जो राजनीति कर रहे हैं उस पार्टी के बारे में कहा जाता है वो तो नॉन है इन सब बातों के लिए, कोई नई बात ताजमहल पे नहीं हुई है। इसी ताजमहल को आजम खान ने कहा कि इसको गिरा देना चाहिए, तो अलग अलग समय पे लोग अलग अलग बात करते रहे। लेकिन हम ये कहें कि दिवाली इसलिए मनाई जा रही है कि कल्याण सिंह के जमाने नहीं मनती थी, तो अगर आज दिवाली न पड़ती तो जबरदस्ती कोई दिवाली पहले नहीं आ जाती। तो इसको अगर आप हर चीज से जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली अपोजिशन जो है वो नरेंद्र मोदी को उनके अखाड़े में नहीं घेर पा रहा है, उनके गुजरात में उनको नहीं घेर पा रहा है। जो वो चुनौती दे रहे हैं ये तमाम मुद्दे उठाने चाहिए, बड़ी रैली करनी चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तो आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस रहे हैं। चलिए बहुत कम समय बचा हुआ, सही कहा आपने, मैं बहुत कम समय में बहुत अहम एक हेडलाइन कहते हैं। अभी पुष्पेन जी और जो अभी चोपड़ा साहब बोल रहे थे कि पूरी मीडिया ऐसी मतलब जो दिखा रहे हैं, मैंने मीडिया और पंजाब का जो अभी बाय इलेक्शन हुआ, लेकिन आपको आपके तथ्य के लिए मैं कह रहा हूं कि मणिपुर में भी अभी एक इलेक्शन हुआ जहां बीजेपी जिला परिषद का 60 सीट्स के अंदर 49 सीट्स बीजेपी को मिला है मणिपुर में, जो कांग्रेस का महाराष्ट्र पंचायत जीत गए हैं। आज इस इलेक्शन 161 पंचायत प्रधान के अंदर 84 पंचायत प्रधान बीजेपी का है और 1552 पंचायत मेंबर के अंदर 1052 अगर अगर बात है कि इस तरह से जो जिस तरह से सुनीत चोपड़ा जी एक पेंट कर रहे हैं कि सब बीजेपी के नीचे ग्राफ जा रहा है और कांग्रेस के ग्राफ ऊपर उठ रहा है, तो मणिपुर जो सबसे बड़ा गढ़ था गुजरात हिमाचल में जमीनी मुद्दे चलेंगे या ताजमहल कुतुब मीनार, कांग्रेस मुक्त भारत, सुनिए कांग्रेस मुक्त भारत हम ही कर रहे हैं। चलिए समय समय और इसी का उदाहरण है मणिपुर में, कांग्रेस मुक्त मणिपुर हो गया है। चलिए कहाँ पे पंचायत में ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है जो आप हर चुके हैं। त्रिपुरा केरल में भी ये होने वाला है, ये आप लिखाइए छोटा साहब, अगर मणिपुर में हो सकता है त्रिपुरा केरल और कांग्रेस के तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2003 व 7 के बीच निजी विमानों और हेलीकॉप्टर यात्रा का उन पे डिटेल दिया। आप ये देखिए कि कितने संजीदगी से किंगफिशर के ऊपर भी आरोप है। मैं वही किंगफिशर के ऊपर भी आरोप है, फर्स्ट क्लास में नहीं जा रहा, कन्वर्ट किया गया है। मेरा जो ये सारे चीज होता रहा, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म जो है हिंदुस्तान में, ये कहीं ना कहीं चुनाव आते आते बाकी जो मुद्दे हैं, जो रियल इश्यूज हैं, जो सीधे सीधे लोगों का जिससे सरोकार है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, जिसके लिए लोग सरकार को काम करती है, मैं नहीं कहता सरकारें काम नहीं करती है, लेकिन आप देखिए चूंकि उनको चुनाव जीतना होता है और वो सारे काम इतने गंभीर काम है जिसको करने में टाइम चाहिए, और टाइम के साथ साथ उसमें बहुत सारी और भी प्रक्रियाएं, भ्रष्टाचार कम हो, प्रशासनिक ढांचा दुरुस्त हो, तो हम रिफॉर्म्स पे, हम रियल इश्यूज पे, इलेक्शन पे जो रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए, जो एजेंडा जिसपे कंसेंसस बन सकता है, जिसपे लोगों का, आप आज जीएसटी को लेकर कांग्रेस का रुख देखिए क्या कह रही है। एक आज से कुछ महीने पहले वही कांग्रेस पार्टी कहती थी कि तो हमारे वजह से जीएसटी लागू हुआ, नहीं तो 100% होता, और कांग्रेस ये भी दावा करती थी कि 14% जीएसटी की बात थी, कांग्रेस का जीएसटी 28% नहीं था, आज वही कांग्रेस कह रही है कि जीएसटी फेल हो चुका है। मैं कहता हूं कि जब इनको अपने लिए इशू लगता है कि खतरे की घंटी बज रही है तो उस इशू को बोलते नहीं है तो हमारा नहीं है जी। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्शन हैज टू बी फॉट ऑन द इश्यूज ऑफ द पब्लिक, वन वे बोलना है दिलीप जी ना, ये चीज पहले बताया ना जीएसटी के लिए, आपका चोपड़ा साहब, आपका भास्कर जी, आपका शकील साहब, आज आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो तमाम देश भर के मुद्दे गुजरात और हिमाचल में पहुंच रहे हैं, जनता वाकई में उन्हीं मुद्दों को वोट करेगी या फिर जो उनकी जमीनी हकीकत है, उनकी जो जरूरतें हैं उसको देखते हुए वोट करेगी। फिलहाल घटनाचक्र में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जैन टीवी के साथ। नमस्कार।